नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रहने वाले युवक ने नोएडा में काम करने वाली लड़की को अपनी पहचान बदलकर प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद शारीरिक शोषण किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इस मामले की शिकायत पीड़ित लड़की ने पुलिस से की है। जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस चौकी पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने देर रात आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दरअसल यूपी के उन्नाव के मोरवा की रहने वाली लड़की नोएडा की एक कंपनी में काम करती है। 4 साल पहले एक युवक ने उसे अपना नाम अनुराग ठाकुर बताकर प्रेम जाल में फंसा लिया था। इसी बीच युवक ने लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और फोटो व वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। आरोप है कि इसके बाद युवक लड़की को ब्लैकमेल करता रहा। लड़की से धीरे धीरे 6 लाख रुपए भी ठग लिए। इसके बाद जब लड़की ने युवक पर शादी के लिए दबाव बनाया तो वह शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा।